कोची में 23 दिसंबर के दिन आईपीएल मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें कई खिलाड़ियों पर करोड़ों की बरसात हुई। आपको बता दें कि इनमें से कई अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी थे जो बिके ही नहीं, लेकिन इन अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों में से एक ऐसा अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी रहा जिसको आरसीबी ने ऑक्शन में 60 लाख रुपए देकर खरीदा और अब वो आईपीएल 2023 में सभी के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें ये खिलाड़ी हैं जम्मू कश्मीर के अविनाश सिंह, जिन्हें आरसीबी ने पूरे 60 लाख रुपए देकर केकेआर से आईपीएल ऑक्शन में लड़ते हुए अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अविनाश सिंह जम्मू कश्मीर के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने गरीबी का सामना करते हुए आईपीएल जैसे मंच पर अपना नाम बनाने के लिए खुद को तैयार किया है। बता दें कि अविनाश की कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, उनके पिता से लेकर उन्होंने क्या क्या संघर्ष सही, ये सभी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको अविनाश की कहानी जानकर बेहद मज़ा आएगा। 24 साल के अविनाश सिंह की ज़िंदगी का सफ़र बेहद दिलचस्प रहा है। आपको बता दें कि वो शुरू से एक क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि अविनाश सिंह तो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, आर्मी को सर्व करना चाहते थे। उन्होंने कई बार आर्मी के टेस्ट दिए, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट होते हुए आए। आखिरी बार उन्होंने दिसंबर साल 2021 में आर्मी का टेस्ट दिया, लेकिन फिटनेस टेस्ट में वो पास नहीं हो पाए। कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, शायद अविनाश सिंह की किस्मत उन्हें आईपीएल जैसे बड़े मंच पर लाना चाहती थी जहां से वो अपना नाम बना सके। अविनाश एक दिन अपने दोस्त के साथ मजाक में एक क्रिकेट अकेडमी चले गए। ये क्रिकेट अकेडमी जम्मू में मयंक गोस्वामी की है। मयंक गोस्वामी जब अविनाश सिंह से मिले तब वो उन्हें देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने लाल गेंद से पिच पर जब गेंदबाजी की तो बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कराते हुए अविनाश सिंह के दीवाने अकेडमी के ऑनर मयंक गोस्वामी हो गए। इसके बाद मयंक गोस्वामी ने अविनाश सिंह को उनकी अकेडमी में आने को कहा, लेकिन गरीबी हर बार हर सपनों के आगे रोड़ा बन जाती है। ऐसा ही कुछ अविनाश सिंह के साथ भी हुआ। आपको बता दें कि अविनाश सिंह के पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं और उनके लिए अपने बेटे को एकेडमी में भेज पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं तो आपको एक क्रिकेट किट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये किट उनके पिता के लिए वर्कलोड की तरह हो गया। आपको बता दें इसके बाद मयंक ने खुद उनके पिता को फोर्स किया कि वो उनके बेटे को एकेडमी में भेजे ताकि वो बेहतर हो सके। एक तरफ मयंक थे जो अविनाश को अपने एकेडमी में लाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ अविनाश थे जो रोजी रोटी के चलते कनाडा जाना चाहते थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार से उधार भी लिया था ताकि उनके पिता उन्हें कनाडा भेज सके, लेकिन मयंक की कोशिश यहाँ कामयाब हो गई और वो अविनाश को अपनी एकेडमी में लाने में सफल रहे। इसके बाद अविनाश ने उन्हें अपने एकेडमी में ट्रेनिंग दी और उन्हें पुणे भेज दिया। अंग्रेजी खबर इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में मयंक ने बताया, उसे गेंदबाजी करता देख मेरी आंखें खुली रह गई। इसके बाद मैंने कुछ अन्य कोचों से उसकी गेंदबाजी पर बात की, सभी हैरान थे। इतने साल तक क्रिकेट से जुड़े रहने की वजह से मुझे इतना तो पता चल गया था कि इसमें कुछ तो बात है। आपको बता दें कि मयंक ने कुछ हफ्ते अविनाश की गेंदबाजी देखी और फिर उन्हें पुणे भेज दिया। पुणे में मयंक ने अविनाश को बायोमेट्रिक एक्सपर्ट कोच अशोक गायकवाड़ के पास भेजा ताकि वो ये पता लगाया जा सके कि अब तक टेनिस से गेंदबाजी कराने वाला ये शख्स जब लेदर से भी गेंदबाजी कराने उतरेगा तो क्या इसी क्षमता के साथ गेंदबाजी करा पाएगा। लेकिन जब अविनाश पुणे से लौटे तो वो इस टेस्ट में पास हो गए। इसके बाद सितंबर 2021 में अविनाश को आरसीबी के लिए ट्रायल के लिए बुलाया गया। वो मुंबई गए और उन्होंने आरसीबी के कैंप में अपना ट्रायल दिया। उनकी गेंदबाजी देखने के बाद तो आरसीबी भी हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की। इसके बाद गुजरात टाइटंस, केकेआर, लखनऊ सुपर जायंट्स जैसे बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज ने भी उन्हें अपने कैंप में ट्रेनिंग के लिए बुलाया। यही कारण है कि आईपीएल ऑक्शन में अविनाश सिंह के लिए केकेआर और आरसीबी भिड़ती नजर आई, जबकि कई अनकैप्ड खिलाड़ी अनसोल्ड रहे जिन पर कोई भी
पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब नाम आया अविनाश सिंह का तो आरसीबी और केकेआर, जिनके पर्स में पैसे ही नहीं थे, उन दोनों का हाथ खुल गया। जम्मू कश्मीर लगातार टीम इंडिया को बेहतर गेंदबाज देता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उमरान मलिक है। उमरान मलिक ने अपनी गेंदबाजी से इतनी कम उम्र में इतिहास रचा, लेकिन अब बारी है अविनाश सिंह की भी। लगातार जम्मू कश्मीर से हमें जम्मू एक्सप्रेस देखने को मिल रही है, क्या ये टैग भी अविनाश सिंह ले पाएंगे? ये कहानी आप सभी को उम्मीद करता हूं कि बेहतर लगी होगी, काफी इंस्पायर लगी होगी। लगातार मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर आज अविनाश सिंह ने आईपीएल में तो जगह पा ली है, लेकिन क्या वो आईपीएल में कोहराम मचा पाएंगे, ये तो साल 2023 का आईपीएल सीजन 15 ही बता पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें।